विष्णु का ये सिर जो कटा है ये भगवती लक्ष्मी के श्राप से कटा है। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। अब तो और आश्चर्य की बात। फिर विष्णु ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि भगवती लक्ष्मी ने ऐसा श्राप दे दिया भगवान विष्णु को कि सिर कट जाए। बोले ये सब भगवती की इच्छा है। एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मी जी बढ़िया श्रृंगार करके निकली और भगवान नारायण जोर से उनके ऊपर हंस पड़े। भगवान नारायण ने उनके ऊपर व्यंगात्मक हंसी हंस दी। हंसी देखो अच्छी है लेकिन किसी पर हंसना बहुत बुरा है। जो जो किसी दूसरे पर हंसे हैं उन्हें उसका बहुत परिणाम भोगना पड़ा है। हमारे कारण लोगों के अंदर हंसी खुशी आए ये तो अच्छी बात है। हम लोगों की हंसी का कारण बने के लोगों को हंसाएं, लोगों को प्रसन्नता बांटें, लोगों को आनंद बांटें, लेकिन लोगों पर ना हंसें। जो दूसरों पर हंसता है एक दिन वो दुनिया के सामने हंसी का पात्र बन जाता है। भगवान नारायण जो है लक्ष्मी जी पर हंसे। यद्यपि ये तो भगवती की इच्छा थी, लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा सिर कट जाए। अब भगवती लक्ष्मी ने श्राप कैसा क्यों दे दिया इतना कठोर श्राप? तो यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसमें देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए ही माने ऐसा किया, क्योंकि लक्ष्मी के रूप में भी तो वही है। देवताओं की कौन सी कार्य सिद्धि होना था? तो फिर यहां एक नई कथा जुड़ गई। बोले हयग्रीव नाम का एक असुर था। उस हयग्रीव असुर ने मां भगवती महाकाली का स्मरण करते हुए हिरिम जो मंत्र है उस हिरिम मंत्र का जप किया। एकाक्षरी मंत्र है हिरिम, अयम हिरिम क्लीम, ये तीन बीज मंत्र हैं। अयम जो है वो महासरस्वती का बीज मंत्र है, हिरिम महाकाली का है और क्लीम महालक्ष्मी का है। तो उस हयग्रीव नाम के असुर ने हिरिम मंत्र का जप किया और जब हजार वर्षों तक उसने एक पैर पर खड़े होकर कठोर साधना की तो मां भगवती प्रसन्न हो गई। वरदान मांगो, उसने कहा कि मुझे अमर बना दो, अमर होना चाहता हूं। मां ने कहा जातस्य हि ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च मर्यादा चे द्वेषी लोके भवेच कत मन्यथा। जिसका जन्म हुआ है उसको मरना पड़ेगा और जो मरा है कभी ना कभी फिर जन्मेगा, इसलिए मैं तुम्हें अमर तो नहीं कर सकती, और कुछ मांग लो। हयग्रीव बोला कि मेरी मृत्यु किसी हयग्रीव से ही हो और किसी से ना हो, माने जिसका नाम भी हयग्रीव हो और जिसका मुख घोड़े जैसा हो और शरीर मनुष्य का हो वही मुझे मार सके। हयग्रीव का मतलब हय माने जो है घोड़े का नाम है। तो भगवती ने तो वरदान दे दिया लेकिन अब उस दैत्य ने बहुत अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, बड़ा सबको सताना प्रारंभ कर दिया। उस दुष्ट को मारना था इसलिए भगवान विष्णु को यह अवतार लेना पड़ा और भगवान ने यह हयग्रीव अवतार लेकर उस दुष्ट राक्षस का वध किया है। बोलिए भगवती जगदम्बा मैया की।